पंचकुला नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है। सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी स्थगित हो गया है। आरओ की तबीयत बिगड़ने के चलते चुनाव प्रक्रिया टाली गई। आज पंचकुला के सेक्टर 14 में चुनाव होना था, लेकिन नगर निगम के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई, इसलिए इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बड़ा अपडेट आपको, पंचकुला नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है, मेयर का चुनाव भी स्थगित हो गया है। अधिकारी को उन्होंने बीमार कर दिया, आधा घंटा पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। सरकार को 12 पट के पाके भी आई है, तो भी इनको भरोसा नहीं है कि ये जीत सकते हैं। हम हमारी जीत के लिए 100% श्योर है। तो ऐसे ये तो जैसे इसी साल चंडीगढ़ में हुआ था, जब मेयर के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ भी अधिकारी बीमार हो गए थे, कुछ वैसे ही लग रहा है कुछ आपको? ऐसा ही है। सलीम जी, आप क्या कहेंगे, आज पहुँचे हुए थे आप लोग सारे के सारे जो है? देखो, तो हमारे साथी पूरे तैयारी के साथ आए, और भारतीय जनता पार्टी के साथी भी अपने पूरे पटके पहन के 12 साथी ऐसे अंदर आए। हमें पूरी उम्मीद थी कि चुनाव होगा, और थोड़ी देर पहले मैडम आरओ यहाँ थे और उनको पता नहीं किस रीजन से भेजा गया या खुद गए हैं, वो तो जाना, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि कोई वोट क्रॉस हो सकता है बीजेपी से? तो क्या उनको पता होना चाहिए, अगर डर है तो तभी पोस्टपोन कराए इलेक्शन। तो कोई डेट नहीं आगे कुछ दी गई अभी? मेयर साहब ने बताया कि वो जल्दी आपको बता दी जाएगा। चलिए, तो ये है जो आज पंचकुला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे, उसकी डेट फिलहाल आज टाल दी गई है, क्योंकि